ये देखो मैं और लूसीफर किन से घिर चुके हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो कैसे हो गाइस? आज मैं चला रहा हूँ अपने पापा वाली बाइक, और सच में सुबह सुबह बाइक चला करके ना बहुत ही कमाल का फील हो रहा है, बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा है अंदर से। और अभी हम हैं वही अपने पुराने वाले वेयर हाउस में भाई। तो भाइयों, आपको जान करके बहुत प्रसन्नता होगी कि आज हमारा जो फैमिली है वो पहुंच चुका है 525। सो भाई खुशी की बात है, पता ही नहीं चला यार कहाँ मैंने जीरो से स्टार्ट किया था और आज मेरे सब्सक्राइबर्स हैं 525, और ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। आपका प्यार ऐसे ही भाई बरसते रहना चाहिए मुझ पे। मेरी लाइफ साइकिल जो है कुछ इस तरह चल रही है कि सुबह मैं उठता हूँ, फिर पापा का अगर कॉल आया तो फिर दुकान का काम खत्म करता हूँ, उसके बाद घर वापस आता हूँ, नहाता हूँ और ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर मैं जॉब को निकलता हूँ, और जॉब से मेरी जो छुट्टी है वो होती है रात के 10:30, कभी कभी भाई घर पहुँचते 11 हो जाता है, रात के 11 मतलब या ऑलमोस्ट 12 hours to 13 hours मुझे लग जाते, तो बिल्कुल भी वीडियो बनाने का वक्त ही नहीं मिल पाता। तो आज वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई करीबन 14 दिन हो गए भाई वीडियो नहीं आई मेरे चैनल पे। तो आज मैं ट्राई करूँगा कि जो जो मेरे साथ हो रहा आज के दिन वो दिखाऊँ। और अगर चैनल पे नए हो तो पता है क्या करना है भाई, सब्सक्राइब कर देना फटाफट से, और वीडियो को तो लाइक करना ही करना है, और कमेंट भी करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और कुछ फीडबैक हो तो वो भी देना। और एक बात कि आप सोचते होगे कि मेरा हर वीडियो इस ये जो वेयर हाउस है यहाँ से क्यों स्टार्ट होता है, तो भाई घर पे मैं सेटअप कुछ सोच रहा हूँ लगाऊं, लेकिन समझ रहे हो भाई घर का जो माहौल है वो मतलब प्रॉपर फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि तो भाई एक क्रिएटर को चाहिए एक अपना एक अलग सा प्राइवेसी रूम जहाँ पे भाई डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं हो, और मेरे घर में भाई ऐसा मतलब है नहीं। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। तो एनीवेज तो बने रहो आज मेरे साथ और देखो क्या क्या होता है आज मेरे लाइफ में। अभी मैं हूँ अपने घर में, और घर में देखो इस जगह मैंने सोचा था एक बीन बैग मंगवा करके यहाँ पे अपना एक सेटअप लगाऊंगा, लेकिन ये आ गया भाई साहब। तो क्या कर सकते हैं भाई, घर पे मम्मी की चलती है, तो चलो कोई नहीं। अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि मेरा जो ये कैमरा है ना एक्शन कैमरा, इस पे जो मेमोरी कार्ड लगा हुआ था हो गया करप्ट, और बहुत ट्राई किया भाई मेरे से नहीं हुआ, फिर मैंने वो मेमोरी कार्ड मोहित को दिया, भाई तू ट्राई कर शायद ये ठीक हो जाए, लेकिन भाई वो करप्ट का करप्ट ही है। तो आज इसके लिए लेना है एक मेमोरी कार्ड, और भाई ठंड आ गई है और फिलहाल तो राइडिंग जैकेट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो राइडिंग ग्लव्स भी आज लेंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइज, आज दिन मंगलवार तारीख 19/11/2019, और देखो मौसम देख लो भाई, पूरा फॉगी हो गया है मौसम, इतना खूबसूरत व्यू है कि क्या बताऊं। और थोड़ी देर पहले सूरज जो है मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था, अभी तो पता भी नहीं चल रहा है सूरज कहाँ पे है। आज हमारे साथ हैं लूसीफर भाई साहब।
हेलो लुसिफर, हाउ यू? काफी दिन हो गए भाई, मैंने इसे अपने हाथों से धोया नहीं, तो आज ट्राई करेंगे इसको अपने हाथ से धोए। लेकिन उससे पहले हमने की है थोड़ी बहुत परचेस। क्या परचेस किया वो भी दिखाते हैं। एक्चुअली कल ही परचेस किया, लेकिन वीडियो जो है वो मैं नहीं बना पाया। सो गाइस, ये है होंडा का ग्लव्स, ये लोकल ही है। और भाई इसमें कुछ देखो गार्ड्स लगे हुए, ये नेकल गार्ड्स, कुछ कुछ पैड्स हैं यहाँ पे जो कि आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं क्रैश के वक्त। और अभी है ठंड का मौसम, तो भाई ये भी अपना ठंड में भी काम आ जाएगा। और यहाँ पे भी एक पैड है जो कि सेफ्टी के लिए है। और ये देखो, मुझे शॉर्ट ग्लव्स पसंद है, इस वजह से मैंने ये लिया। और इसका लेने का रीज़न ये है कि भाई मैं अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ सिटी राइड, और सिटी राइड के लिए ये जो चीज़ है ना परफेक्ट है। ये मुझे मिला, गैस करो कितने में? अरे वही जो अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह में शो करता है, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा करीबन 300 से 400 के आसपास। ये मैंने लिया लोकल मार्केट से यहाँ के, जो कि मुझे पड़ा 400 रुपीज़ का। और एक चीज़ जो मैंने परचेस की है वो सैंड डिस्क का माइक्रो SD कार्ड 16 GB का। इससे पहले वाला मेरा 32 GB का था, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। और मेरे एक्शन कैमरे में वो 64 GB तक एक्सपेंडेबल हम कर सकते हैं, लेकिन भाई बजट नहीं था इस बार, इस वजह से 16 GB में एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखो, मैं और लूसिफर किन से घिर चुके हैं। यहाँ पे एक मामा पिगी है और उसके ये सारे बच्चे हैं, और एक मामा पिगी वहाँ पे सोई हुई है। और अभी थोड़ी देर पहले ये मामा पिगी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, और एक बच्चा तो अभी भी पी रहा है। देखो ये बहुत खूबसूरत एहसास है। अरे मैंने लगता ही इन्हें डरा दिया। कोई नहीं कोई नहीं, तो चलो